पेयजल मंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में होने वाले भारी पेयजल किल्लत को स्वीकारते हुए कहा कि गर्मी में पेयजल किल्लत होना स्वाभाविक है, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले कई सालों से हुई पेयजल किल्लत को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार कर उसे धरातल में उतारना शुरू कर दिया है। साथ ही पहाड़ों में जिन डेंजर जोन में पेयजल किल्लत हुआ करती थी, राज्य सरकार ने पेयजल लाइनों और अन्य माध्यमों से इस बार वहां पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में भी पेयजल विभाग ने ओवरहैंड टैंक सहित कई टैंकरों की व्यवस्था की है, जिससे इस बार की गर्मी में पेयजल किल्लत से लोगों को काफी राहत मिलेगी। गर्मी से निजात पाने के लिए हम लोग हमेशा तैयारी करते हैं, और हमने जो पहले दिक्कतें थी सरकार के माध्यम से योजनाएं बनी हैं, ट्यूबवेल हमने सैंक्शन किए हैं, ओवरहेड टैंक बनवाए हैं, ग्रेविटी की लाइनों का निर्माण कराया है, लिफ्ट पंपिंग योजनाओं की स्वीकृति दी है, तो उस आधार पर जो स्थिति 2012 में थी जब हमारी सरकार बनी, आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पेयजल समस्या से हमारा प्रदेश काफ़ी कुछ हमने पेयजल समस्या को कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की है।